कान अल इंसान अजूला, मेरे बंदे तू बड़ा जल्दबाज है, तेरे अंदर सबर नहीं है, देखना कहीं गलत फैसला अपनी अकल पे चलोगे तो गलत फैसले करोगे। वकान अल इंसान अक्सर शैइन जदला, तुम्हारे अंदर गुस्सा है, जल्दी गुस्से में आते हो, लड़ते हो, लोगों के हक मारते हो, अपनी अकल पे ना चलना, गुस्सा अकल को खा जाता है। वकान अल इंसान कतूरा, मेरे बंदे तू बड़ा कंजूस है, बखील है, पैसा दे दूं तो और की हवस लग जाती है, समेटने के लिए औरों पर डाके डालता है। एक बदमाश डाकू है जो गन पॉइंट पे पैसे ले लेता है, एक महज़ब डाकू है जो बड़े वाइट कॉलर के साथ लोगों की जेब से पैसे निकाल लेता है। जितने अनफेयर मीन्स हैं माल कमाने के, ये सब वाइट कॉलर डाकू है। मेरे बंदे वकान अल इंसान कफूरा, तू ना शुक्रा बहुत है, थोड़ी सी तकलीफ आ जाए तो मेरे सारे एहसान भूल जाता है, तो लिहाजा तू इस काबिल नहीं है कि अपनी मंजिल तय कर, रास्ते तय कर, किसी और से पूछ जो जानने वाला हो, उससे पूछ जिसका इल्म कामिल हो। जब जमीन आसमान में नजर दौड़ाई तो अल्लाह के सिवा कोई है नहीं जिसका इल्म कामिल हो, क्योंकि इल्म कामिल के लिए जरूरी है कि हर शय उसकी आंखों के सामने हो, जो गुजर गया वो, जो मौजूद वो, जो आने वाला वो, उसके लिए जरूरी है कि वो हर जमाने में मौजूद हो, उसके लिए जरूरी है कि वो इब्तिदा इंतहा से पाक हो, उसके लिए जरूरी है कि कोई चीज उससे छुपी हुई ना हो, उसके लिए जरूरी है कि उसके ऊपर कुछ ना हो जिसको देखने में मुश्किल पेश आए। तो जब ये सिफात मैं ढूंढता हूं तो सिर्फ अल्लाह बचता है जिसमें ये सब कुछ है, बाकी सब कहीं ना कहीं आके रुक रहे हैं। जो पैदा हुआ, जिसे मौत आई,